जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब बाय इब्राद। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बुडापेस्ट में मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं। 20 अगस्त का दिन है। 20 अगस्त का दिन बुडापेस्ट के लिए, हंगरी के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट आए पड़े हैं इस 20 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए, इसके जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज हम निकल चुके हैं अपने घर से। प्लान ये है कि दोस्त अपने सारे सो रहे थे, मैंने कोशिश तो की उन लोगों को भी प्लान का हिस्सा बनाया जाए। कॉल्स की, एक दो दोस्त उठा, उसने कॉल भी कर ली। ऑल इन ऑल अभी प्रतीक भाई हमें जो है ज्वाइन करेंगे। प्रतीक भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट के सामने, और वहां पे आज 20 अगस्त के सिलसिले में बहुत बड़ा एयर शो होने वाला है। अगर मैं आपको बताता चलूं, ये एयर शो मतलब हंगेरियन जो पायलट्स वगैरह हैं, ये हंगेरियन जो सरकार है, आज वो अपने कल्चर को, अपने कंट्री को एयर शो के जरिए शो कराएंगे। तो काफी तादाद में वहां पे लोग आएंगे, काफी नंबर्स में वहां पे जो है लोग आएंगे। तो चलो उनके साथ इस शो को एंजॉय करते हैं और आप लोगों के लिए स्पेशली कैप्चर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज इस शो में क्या कुछ दिखने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने घर से निकल चुके हैं उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए जहां पे आज हम आपको एयर शो दिखाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं राइट एट द ऑक्टोगन स्टेशन, जो हमारे घर से 2 मिनट के फासले पे है। हमारी ट्रैम आ गई है, तो चलो जी यहाँ से ट्रैम 46 लेते हैं। 2 या 3 स्टाफ इस ट्रैम के थ्रू कवर करेंगे और फिर मिलते हैं पार्लियामेंट के सामने, जहाँ पे आज ये एयर शो बहुत बड़ा मज़ाहरा दिखाने वाला है। तो गाइज, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बड़ी नंबर में यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। जुड़े रहना, व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो बाकी चलो आपको अंदर लेके चलते हैं, अपने लिए जगह सिक्योर करते हैं और आपको इवेंट में जाने से पहले कुछ एक्चुअल फैक्ट्स आपसे शेयर करेंगे। कुछ एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं कि 20 अगस्त है, इसको हंगेरियन स्टेट का जो बर्थडे दिन कहा जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा गया है। अभी आप देख सकते हो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं भी अपने प्रतीक भाई का वेट करूं। उसको मैंने लोकेशन बताई थी कि हम जो है याजा इमारी तेल के पास खड़े होंगे, तो आप पहुंचो जल्दी। उनका मुझे फोन आया कि ही इज ऑन द वे। तो बताना यह है कि आंखें हमारी अभी भी नींद से बड़ी पड़ी हैं, लेकिन यह है कि हमने इस दिन को कैप्चर करना है। इस दिन का जो सारे इवेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स आपको दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर शो, एयर शो के बाद हम आपको लेके जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। आज सारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं हंगरी में, वो फ्री हैं। जैसा कि पार्लियामेंट हो गया, म्यूजियम्स हो गए, चर्च हो गए। आप कभी भी बुडापेस्ट में समर के दौरान आने का प्लान करो तो आप कोशिश करना इस 19-20 अगस्त के राउंड अबाउट पहुँचो, क्योंकि ये 2 दिन हंगरी में सबसे बड़े मनाए जाते हैं, इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि व्लॉग की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करें। तो अभी हम आपको लेके जाएंगे वो वहाँ पे सामने, वहाँ पे कहीं जगह जो है अपनी ढूंढते हैं, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और फिर जो है आपके लिए एयर शो कैप्चर करेंगे। तो गाइज, आपको बताता चलूँ कि एयर शो जो है उसको शुरू होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट रह गए हैं। आप देख सकते हैं लोग नीचे जो है जाके अपनी स्पॉट, अपनी जगह जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हमें भी नीचे जाना चाहिए, जाके जो है अपनी जगह सिक्योर करनी चाहिए, ताकि हम जो है एयर शो उसको इंजॉय कर सकें और आप लोगों के लिए इसको कैप्चर कर सकें। ये अभी यहाँ की सूरत हाल है। अभी प्रतीक भाई का मैसेज आ गया कि वो थोड़ा लेट आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो एयर शो मिस कर देंगे। और जैसा कि हमने अपनी नींद सेक्रीफाइस कर दी है आप लोगों के लिए, आपको एयर शो दिखाने के लिए और अपने आप को एयर शो से जो है लुत्फंदोज कराने के लिए, तो अभी जो है चलो यार जगह ढूंढते हैं अच्छी सी, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और इस शो को जो है एंजॉय करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ आके खड़े थे और इनकी निगाहें आसमान की तरफ थी कि न जाने कब कहीं से जहाज आ जाए। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो मेरी भी लाइफ का ये पहला हिस्सा था, पहली बार था कि मैं भी किसी एयर शो का हिस्सा बनने जा रहा था, क्योंकि इससे पहले जितने भी एयर शो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं वो तो मूवीज में देखे हैं या टीवी पर देखे हैं, लेकिन आज लाइव देखने जा रहा था और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा खुश था। तो चलो जी अभी वेट करते हैं कि कब ये शो शुरू होता है और आप लोगों के लिए हर एक पल को इस कैमरे के थ्रू कैप्चर करेंगे। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि अचानक से हल्ला गुल्ला मच गया और हमने बहुत ज़ोर से जहाज़ों की आवाज़ सुनी और पीछे से हंगेरियन कमेंट्री चल रही थी, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे। तो हमने जो है अचानक अपना कैमरा घुमाया और ये रहा पहला जहाज़ों का करतब आपकी स्क्रीन पे। Pontosan, hiszen te most kivonták, én is taps, és ez a katonai blokk, ezzel véget ér, de még láthatunk repülő programot, ugyanis ha te mondod, én mondom, mert itt van a silabuszban, jönnek a civil... Mai nap őket látjuk kigyíri bemutatózni is az egyik gépük, és mennek tovább a várakozási léptérbe, illetve ahol a fütterek felhoztak. Következő kötelékünk egy vegyes kötelék. A vadász repülő közel léptek, ahogy a híradóban, illetve a híradóban. A szöveges kiképző repülő századtalaszolnok helikopter bandától érkeztek. Különlegesség, hogy a kötelék vezérei csúra a százról szúrni fölni voltak. És már is érkezik a merev szövegesek. Ezek a repülőgép önvédelmi éloznak a pilóták, ugyanis ez harchelikopter a kis szárnyaira, fegyverfelfüggesztő pontjaira. तो गाइज ये था हमारा आज का एयर शो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जहाज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हमारा कैमरा घूमने से पहले ही वो हमारी आँख से ओझल हो जाते थे, दूर निकल जाते थे। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी पूरे दिन के इवेंट्स बचे हैं। तो चलो जी अभी आपको अपने सेकंड इवेंट पे लेके चलते हैं, जो हमने बताया था आपको कि आज हम आपको लेके जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी एंट्री आज फ्री है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ही अभी एयर शो को खत्म हुए मैक्सिमम 5 मिनट होंगे, तो ऑलरेडी इतने सारे लोग लाइन में लगे पड़े हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा तो चलो मैं आपको पार्लियामेंट की राह में लगी पूरी लाइन दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लो कितने सारे लोग जो है इस लाइन में खड़े हैं ताकि वो पार्लियामेंट का अंदर से जाके व्यू है उसको एंजॉय कर सकें। लाइन बहुत लंबी थी, मैंने सोचा कि अभी पूरे शहर में इवेंट हो रहे हैं उनको कैप्चर करते हैं, तब तक हम बाद में आएंगे, अगर मौका मिला तो आपको जो है पार्लियामेंट का अंदर वाला व्यू दिखा देंगे। अगर फिर भी ऐसा ना हो सका तो चलो जी मैंने पार्लियामेंट की पहले भी वीडियो अपलोड की है, जिन लोगों ने नहीं देखी मैं उसका लिंक ऊपर व्लॉग में डाल दूंगा, आप काइंडली जाके वो वीडियो देख लेना, आपको पार्लियामेंट की सारी लुक दिखने को मिल जाएगी। मैंने आपको लाइन दिखाई है, अभी ये लाइन का एक हिस्सा है, पर अगर मैं ये पूरी लाइन आपको दिखाऊँ ना मुझे लग रहा है कि 10 साल मुझे लाइन में वेट करना पड़ेगा। 10 साल वेट करने के बाद फिर मैं मुझे जो मौका मिलेगा, जो यहाँ का किंग है वो आएंगे बोलेंगे कि महाराज हंगरी के पार्लियामेंट के अंदर जा रहा है, आपका इंतज़ार था। वो गाना भी है ना, आजा बालमा तेरा ही इंतज़ार है। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, 20th of August हियर इन बुडापेस्ट। तो आपको बताते चले कि अभी कुछ मिनट्स में 1 आवर ऑलमोस्ट रह गया है वो फायरवर्क्स के लिए, वो इवेंट शुरू होने वाला है।
जिसका हम लोग ऑलमोस्ट पिछले साल से लेके अभी तक वेट कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये फायरवर्क्स आपने नहीं देखे ना, तो यू गेट अ चांस टू सी दोस फायरवर्क्स बुडापेस्ट की खूबसूरती और वो भी राजा भाई की खूबसूरती के साथ। और आपको मैं बताता चलूं कि आज क्या व्लॉग हमारा बड़ा हैवी होने वाला है। व्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि मैं कब से बोल रहा था कि ये इवेंट बुडापेस्ट की जान है। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि मुझे याद करवाते रहना कि हमें गाइस के लिए हर वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो उन्हें अच्छा फील करा सके। तो चलो आगे चलते हैं, अपनी जगह ढूंढते हैं, जगह ढूंढ के अपने आप को सिक्योर करते हैं और इन फायरवर्क्स को कैप्चर करेंगे। तब तक के लिए अपना हाल रखना, टेक केयर, पीस आउट। तो गाइस अभी इवेंट शुरू हुआ नहीं है, ट्रेजेडी ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी है। बताना आपको ये था कि हमारे जो पाजी पीछे आ रहे हैं, बड़ा हैवी काम हो गया इनके साथ। काम ऐसा हुआ कि इन्होंने यहाँ का जो पब्लिक टॉयलेट है वो यूज़ करना था। जब ये पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के लिए अंदर गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ की सिचुएशन कैसी थी। तो आप ये समझ जाओ कि पाजी ने बोला बाथरूम यूज़ किया है, 5 मिनट सांस बंद करके और आंखें बंद करके। तो इससे ये सबक मिलता है, जब भी किसी पब्लिक इवेंट पर जाओ तो घर से फ्रेश होके जाओ, रिलैक्स होके जाओ, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। तो चलो जी, टाइम आ गया जब हम आपको दिखा रहे हैं बुडापेस्ट का पार्लियामेंट जो हंगरी के झंडे से कवर है। और मज़े की बात बताता चलूं कि जैसा कि हम लोग फायरवर्क्स कैप्चर करने आए हैं, तो ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये डिसेबल लोग हैं। फायरवर्क्स की खुशी में ये लोग भी शरीक हो सकें, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के सामने एक छोटी सी जगह को कवर अप कर लिया, ताकि ये लोग यहाँ बैठ के फायरवर्क्स का सामने से व्यू इंजॉय कर सकें। वो कहते हैं ना कि तरक्की कौमें यूँ नहीं करती, जब उनके बड़े स्टैंड लेते हैं तो कौमें और मुल्क ऑफकोर्स तरक्की की राह पे चलता है। तो गाइस फाइनली हमने एक बहुत अच्छी जगह सिक्योर कर ली है। ऑल क्रेडिट गोज टू शुभ पाजी, इनका ये आइडिया था। आप देख सकते हो हम कितनी लेवल की जगह पे बैठे हुए हैं। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये खड़े हैं, पूरे इवेंट को कैप्चर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टे एक्टिव, स्टे ट्यून। गाइस जिस चीज का डर था वही हुआ, अपने आप में ऑडियंस का। ओ यार बारिश शुरू होगी, मुझे लग रहा है कि आज इवेंट जो है पॉसिबल नहीं है, इवेंट जो है डिले हो जाएगा, आज फायरवर्क्स नहीं होंगे। ये देखो सारी आवाम भाग रही है उधर उधर घूम करके। पाजी क्या लगता है इवेंट होगा? नहीं नहीं होगा, सरकार इसके नहीं लेगी। तो भाई खर्चा किया सरकार ने। नहीं तो मेरी बात सुने, वो जो बोर्ड सामने खड़ी हैं छोटी छोटी, अगर मैं ऑडियंस को दिखाऊं तो उसमें पटाखों का सामान पड़ा है ना? नहीं नहीं पटाखे भी, हाँ छोटी छोटी बोर्ड छोटी छोटी, और वो जो लाइटनिंग शो सारे उसके अंदर से। और वो जो बड़ी वाली बोर्ड है भाजी, उसमें लोग बैठे हैं भाई, उसके उनका क्रू बैठा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है सारा, टीम बैठी है। तो गाइस हम लोग आपको बताते चले, जो बड़ी वाली बोट है वहाँ पे सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए बंदे बैठाए गए हैं, और जो छोटी छोटी बोट्स हैं उसमें फायरवर्क्स का सामान है। लेकिन आपको बताता चलूं कि आज इवेंट होना पॉसिबल नहीं है, बारिश शुरू हो गई है, अवाम ने छतरियां निकाल ली हैं। और आज मैं आपको बात बताता चलूं कि आज पहली बार मैं ज़िंदगी में इतनी कम्फर्टेबल जगह पर बैठा था, रब ने बारिश भेज दी।
और इवेंट जो है पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया। मुझे नहीं लग रहा कि ये इवेंट होएगा, अगर हुआ तो देखेंगे, बट ये कि ये इवेंट की छोटी मैं दिला नहीं सकता, उस लड़की की तरह जो हमें कह के चली गई थी कि वन डे वी विल मीट, मगर आज भी वो दिन आया नहीं है। तो चलो यार अभी वेट करें हैं, इस पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए राजा भाई, विच्छुप भाई एंड अपने प्रतीक भाई, तो वेट करते हैं, दैट्स ऑल वी कैन डू। 6 मिनट रह गए हैं अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, 6 मिनट में फायरवर्क शुरू होने चाहिए, अगर तो फायरवर्क शुरू हो गए वेल एंड गुड, नहीं हुए तो आप जो है मेरे लिए उसको ढूंढना शुरू कर दो यार। अभी मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाता चलूं, लोग जो हैं बड़ा वेट कर रहे हैं कि इवेंट शुरू हो, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि मैं इवेंट का शुरू होने का वेट तो करूं और आल्सो वेट कर रहा हूं कि शायद इसी रश में मेरी वो आई हो, हो सकता है। तो यार ढूंढते रहो उसको भी और दुआ करो कि ये इवेंट होना चाहिए। गाइस अभी अपडेट आई है हवा में उड़ती कि ये जो इवेंट है डिले हो गया है, 10 बजे ये इवेंट शुरू होगा, तो बड़ी अनकंफर्टेबल तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कि ये जट्टा करांगे तो अड्डे ले ही करांगे। तो अभी सामने से पुलिस जा रही है, तो देखते हैं यार वो सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं कि इवेंट होएगा या नहीं। क्रिकेट का मैच है बाजी, आप कंफर्टेबल तरीके से बैठे क्या साहब है? साहब से बाजी पता लग रहा है पट्टा ने लाल निशान पहने हैं। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अभी बिलाल सईद का मैसेज आया है कि उसने बोला कि आप बुढ़ापश में रह रहे हो और चोटी पे चढ़े हो, इवेंट का वेट कर रहे हो, तो मेरे गाने का प्रमोशन कर दो। तो मैंने सोचा कि यार फ्री में कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रगल के दिन हमने भी देखे हैं, लेकिन आज रब ने इतना दे दिया, तो अभी आपको दिखाते हैं कुछ मिनट्स में वो क्या रब ने हमें दिया है। 138 समथिंग, वेट एंड वॉच, आई विल शो यू एवरीथिंग गाइस। ओए होए होए होए, इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में क्या हो सकता है, इतने सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि नीचे आ जा नीचे आ जा, ये आप देख सकते हो, ये सारे लोग मेरे इंतज़ार में खड़े हैं कि मैं नीचे आऊँ, ऊपर से सरदार पाजी गाना गा रहे हैं, सामने पानी बह रहा है, पटाखों का वेट हो रहा है, लेकिन आपके राजा भाई मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि मूवमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि मूवमेंट से लाइफ बनती है, लाइफ से ज़िंदगी बनती है, और ज़िंदगी से आप अपना आप बनाते हो। गाइस जैसा कि आपको पता है कि हम वहाँ बैठे शुगल मेला कर रहे थे, दोस्तों के साथ फन कर रहे थे, तो अचानक से मेरी नज़र पार्लियामेंट के रात के व्यू पे पड़ी, तो मैंने सोचा कि इसको भी व्लॉग में ऐड किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात एक बार 360 व्यू आप लोगों से शेयर किया जाए कि किस तरह लाखों लोग नदी के इस पार और उस पार वेट कर रहे हैं इस फायरवर्क्स के फंक्शन के शुरू होने का।
खुदा की कसम चस आ गई है बॉयज, ये हैवी निजाम, ये हैवी फायरवर्क्स, मैं आपको बता नहीं सकता। कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ कैप्चर करें ताकि आप लोगों को दिखा सकें। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। फायरवर्क्स को देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ भी रियल नहीं है। कुछ मिनट के लिए ऐसा लगा कि जैसे आसमान पे रोशनी बढ़ गई है, आग लग गई है, क्यामत टूटने वाली है। मगर मैं ये रिकमेंड करूंगा, इट्स वर्थ इट टू वॉच।
तो चलो जी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अगर कभी भी लाइफ में आपको एक बार मौका मिला बुडापेस्ट में 19 या 20 अगस्त के दौरान आने का और इस फायरवर्क्स को अपनी आंखों से देखने का, तो आई वुड रिकमेंड यू के गाइस आप लोग लाजमी आना, क्योंकि हर चीज़ वर्थ इट थी। वीडियोस में मैं वो सब कुछ नहीं दिखा पाया जो रियल में था, हर तरफ से डूस डूस की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ऑल इन ऑल वन ऑफ द बेस्ट फायरवर्क आई एवर सीन इन माय होल लाइफ। यार मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, एक मिनट रुक जो यार पाजी, इवेंट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट था, प्रतीक मैं बता नहीं सकता। एक बार ऐसा लगा कि आसमान पे ना आग लगी है कसम। तो यार मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग बुडापेस्ट में कभी आने का प्लान कर रहे हो तो कोशिश करना कि आप 19 और 20 अगस्त के बीच बीच में आओ, ताकि आप लोग इस इवेंट को इन्जॉय कर सको, क्योंकि ये इवेंट वर्थ इट है देखने का। इसको आप रियल आंखों से देखोगे ना आप यकीन नहीं कर पाओगे, आप टोटली हैरान हो जाओगे। तो गाइस जैसा कि हमने आपको पूरा इवेंट दिखाया, फायरवर्क्स दिखाए, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की, बीच में शोशाबादी की, तो अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, रास्ते में एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी, तो मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड किया जाए। चीज़ ये है कि ये देखो, ये अभी बुडापेस्ट का लाइव जो है कैमरे वगैरह दिखा रहे हैं सिचुएशन, आप देख सकते हैं फायरवर्क्स वगैरह ख़त्म हुए हैं और लोग जो है अपने घरों को जा रहे हैं, वो सारे क्लब जो हैं वहाँ पे पार्टी चल रही है। बट इधर देखो, अगर मैं जूम करूँ कैमरे की आंख अगर आपको दिखा सके, वो सामने पार्लियामेंट है और ये दुनिया चल रही है और यहाँ पे कहीं हम लोग जो है स्टे कर रहे हैं। तो बाकी चलो यार, बॉयस 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 एक एक कमेंट आप लोगों ने भी ऐड कर दो, 254 GB होगी है पाजी। इधर देखें यार पाजी, हम लोग इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है, हमारी शादियों पे बड़े पटाखे बजते हैं, बड़ी रौनकबाजी होती है, शोशेबाजी होती है, आतिशबाजी होती है, पाजी फायरवर्क्स आपको कैसे लगे और क्या लगता है कि इन्होंने कितने पैसे लगाए होंगे? देखिए फायरवर्क पूरे 40 मिनट चले हैं, आधा घंटे से लेके 40 मिनट, मज़ेदार मज़े। और जब हम उनको देख रहे थे सब पॉजिटिव, दिमाग कितना फ्रेश हो रहा था। और जब बात रही पैसों की, तो मैं अपने इंडियन INR में बताऊँ तो 60-70 लाख रुपये। तो गाइस मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जितने मोमेंट्स जितनी वीडियोस कैप्चर किए हैं उनको सही तरह से जो है पुट टुगेदर कर सकूँ, ताकि आप लोग जो है इस इवेंट का सही तरह से इंजॉय कर सकूँ।
बाकी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाजमी शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट कर देना। एंड लेट्स मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर। पीस आउट। चाओ।